हाय गाइस, यू आर वाचिंग जस्ट विश। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। रिसेंटली मैं अपने फैमिली के साथ एक वन वीक अंडमान वेकेशन पे गया था और उस वेकेशन के सारे व्लॉग्स जो हैं मेरे चैनल पे प्ले कर रहे हैं, तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और आप लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चंस पूछा था कि अंडमान कैसे जाया जाए, फेरीज कैसे बुक किया जाए, कौन से होटल में स्टे किया जाए और काफी सारा। तो ये वीडियो में हम सब कुछ वो डिस्कस करेंगे जिससे आप अपना अंडमान का ट्रिप बहुत अच्छे से प्लान कर पाए। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम लेटेस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल जो भी है पैंडेमिक रिलेटेड वो हम शेयर करेंगे। और लास्ट में आपको एक ऐसा टिप दूंगा जिससे आपका अंडमान का हॉलिडे स्पॉइल होने से बच जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के मेनलैंड से पोर्ट ब्लेयर इज कनेक्टेड टू 3 मेन एयरपोर्ट्स विच इज कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। अगर आप इस सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, नहीं तो कनेक्टिंग फ्लाइट वगैरह आपको मिल जाता है बहुत ही इजी तरीके से। सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें तो 2nd of January 2022 के बाद एज पर द न्यू गाइडलाइंस everyone, whether you are partially vaccinated or fully vaccinated, you have to carry an RT-PCR report on arrival, which is not more than 48 hours. And अगर आप foreign travel करके आए हैं तो आपको on arrival RT-PCR test भी किया जाएगा। तो government का जो RT-PCR system है वहाँ पे आपको airport से उतरते ही bus में बैठाया जाएगा। उस bus में एक designated location में ले जाया जाता है, वहाँ पे आपका RT-PCR test करके आपको अपने hotel जाने अलाउ कर दिया जाता है। ये जो नोटिफिकेशन आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। एंड मेरा रिकमेंडेशन है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम बदलते रहता है, तो आप अंडमान की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं लिंक कर दूंगा नीचे जाके जरूर वहां से चेक करके अपने टिकट्स वगैरह बुक करें। आपके जो RT-PCR टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं और आपके फुली वैक्सीनेटेड रिपोर्ट्स हैं इसे हैंडी रखें, क्योंकि अब जब पोर्ट ब्लेयर से आप नील या हैवलॉक जाएंगे तब आपकी ये डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग दोबारा जरूर होगी। आजा बेटा, I told you pull, it is easy. फेरी बुकिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके अंडमान आइटिनरी का। तो फेरी बुकिंग के ऑप्शन दो तरीके हैं, एक तो गवर्नमेंट फेरी है और एक प्राइवेट फेरी है। गवर्नमेंट फेरी आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं, आपको ऑन लोकेशन जाके लाइन पे लग के बुक करना पड़ेगा। हमने वो चीज़ नहीं किया था, हमने प्राइवेट फेरीज बुक किए थे। प्राइवेट फेरीज के अच्छे ऑप्शंस है मक्रूज जो काफ़ी डिमांड में रहता है और सीट्स बहुत जल्दी फिलअप हो जाता है, और ग्रीन ओशंस या सी लिंक, और आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का क्रूज है। चलिए अब अंदर चलते हैं और अपना सीट ऑक्यूपाई करते हैं। फेरी सीट्स प्रीमियम और बिजनेस कैटेगरीज में रहते हैं, बट मोस्टली दे आर ऑलमोस्ट द सेम एंड काफ़ी स्पेशियस है। तो आप कोई भी टिकट बुक कर लें, या प्रीमियम या बिजनेस, कोई भी टिकट बुक कर लें। क्रूज जब चलती है आपको डेक पे जाना अलाउड नहीं है। 1200, 1800 और 2600 इस रेंज में इसके टिकट्स रहते हैं। और फेरी के टिकट्स आप इनके वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फेरी बुकिंग आपको मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो फेरी के सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और अगर इसे आप पहले बुक करते हैं दैट विल इंश्योर दैट यू कैन ट्रैवल बिटवीन पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील एंड अदर आइलैंड। अब बात करते हैं होटल्स की। देखिए, अंडमान में होटल हर बजट में मिल जाते हैं। यू कैन स्टार्ट एट 2000-2500, तो वो एकदम बजट स्टे हो जाता है। उसके बाद देयर इज मिड रेंजर होटल वेर यू कैन गेट रूम्स इन द रेंज ऑफ 5,000-6,000 रुपीज। देन द प्रीमियम कैटेगरी स्टार्ट्स एट अराउंड 9,000-12,000 एंड इट गोज अप टू 15,000-16,000। तो होटल्स आप अपने बजट के हिसाब से पिक कर सकते हैं। वैसे पोर्ट ब्लेयर में हमने हमारे स्टे के लिए सेंटिनल होटल बुक किया था और बे व्यू सिंक्लेयर्स होटल बुक किया था, एंड हैवलॉक में सिल्वर सैंड्स हमने बुक किया था। सारे होटल के जो एक्सपीरियंस है हमारे अच्छे रहे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको ये ध्यान में रखना है कि पूरा होटल जो इंडस्ट्री है इज गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक एंड उनके स्टाफिंग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो कहीं पे आपको स्टाफ कम मिल जाएंगे तो सर्विस में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, वो उससे मैनेज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जब हैवलॉक में स्टे करते हैं, हैवलॉक में हर चीज़ बाई फेरी वहाँ पहुँचता है, तो प्लीज़ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सच अ प्लेस थोड़ा सा चिल रहना, मतलब भड़क मत जाना। अगर आपको जैसे खाना थोड़ा लेट हो गया या आपने फ़ोन करके कुछ बोला है वो हुआ नहीं है, तो ये सब में थोड़ा सा डिले अगर होता है या नहीं हो पाता है तो एकदम भड़क मत जाना, चिल रहना थोड़ा सा। एंड सेकेंडली, अगर उतना एक्सपीरियंस चाहिए तो आप द सुपर हाई एंड लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में
रह सकते हैं, विच इज द बेयरफुट एंड ताज प्रॉपर्टीज देयर। अब बात करते हैं टैक्सीज की। देखिए यहाँ पे टैक्सीज आप एयरपोर्ट से निकलते ही प्री बुक करके एयरपोर्ट से अपने होटल तक जा सकते हैं, एंड आप जहाँ पे भी होटल में रहते हैं हर रिसेप्शन में आपको टैक्सी या ऑटो सर्विसेज मिल जाती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको फुल डे टैक्सी वहाँ नहीं मिलती, आपको टैक्सी पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक का ही मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पूरे दिन कहीं ट्रैवल करना है तो आपको पूरा एजेंडा उनको पहले से बताना है कि देखिए मैं पोर्ट ब्लेयर में पहुँच के डे वन पहले सेल्यूलर जेल जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से पॉइंट बी लोकेशन पे जाऊंगा, उसके बाद मैं कॉर्बिन कोव्स जाऊंगा, ऐसे करके उनको पूरा बताना है। अकॉर्डिंगली दे विल चार्ज यू पॉइंट टू पॉइंट, और टैक्सी वाले क्या करेंगे आपको उस पॉइंट पे छोड़ देंगे, फिर आपके साथ फ़ोन पे कांटेक्ट में रहेंगे, आप जब घूम लेंगे फिर आप उन्हें फ़ोन करके वापस बुला सकते हैं, दिल कम एंड पिक यू अप। सो यू डोंट गेट फुल डे टैक्सीज, पॉइंट टू पॉइंट आपका टैक्सी और ऑटो सर्विसेज मिल जाता है। Another great way to explore Andaman is by renting a bike. ये one of the most exciting और बहुत ही ज़्यादा fulfilling experience है इतने beautiful islands को explore करना। एक तो वो बहुत economical हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा immersive experience होता है पूरे Andamans को explore करना। अब बात करते हैं 4G मोबाइल नेटवर्क की। पहले BSNL was the only option, लेकिन अब Airtel एंड Jio intermittently अवेलेबल है। कुछ कुछ जगह पे Airtel अच्छा चलता है, कुछ कुछ जगह पे Jio does the better job। तो अगर आप Andaman ट्रैवल कर रहे हैं तो Airtel और Jio के सिम्स भी अपने साथ रख लें। अब हम फूड की अगर बात करें, अगर आप किसी डेस्टिनेशन को ट्रैवल करते हैं आपको वहाँ के खाने के बारे में पहले से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नहीं तो सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल Andaman इज पॉपुलेटेड विद अ लॉट ऑफ बंगाली पीपल, तो खाने में बंगाली कुजीन का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन लाइक टिपिकल बंगाली कुजीन मीठा नहीं है और सी फूड बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको सी फूड विद अ ट्विस्ट ऑफ बंगाली कुजीन एंड मस्टर्ड फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा देर आर कैफेज एंड शैक्स दैट यू कैन एक्सप्लोर, लेकिन बिकॉज अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो इंटरनेशनल फूड के फ्लेवर्स हमें इतने ज़्यादा दिखे नहीं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ द ईयर और कब Andaman विजिट किया जाए। वैसे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट है एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट इज बिटवीन नवंबर टू फरवरी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि Andaman अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, Andaman रीजन इज नोन टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ साइक्लोन, तो साल में काफ़ी सारे साइक्लोन वहाँ से स्टार्ट होते हैं जिसके वजह से अनएक्सपेक्टेड रेन्स बहुत होता है। और उससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप कितने दिन का ट्रैवल वहाँ प्लान कर सकते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करने के लिए 2-3 दिन काफ़ी होते हैं, और हैवलॉक में अगर आप आराम से एंजॉय करना चाहें तो वहाँ पे भी 2-3 दिन काफ़ी रहता है, और नील आइलैंड के लिए 1 दिन काफ़ी रहता है। हमने नील आइलैंड स्किप कर दिया था, वी हैड एक्सटेंडेड 1 डे इन हैवलॉक। एंड लेकिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू Andaman, माई मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ आपके आइटनरी में अपने हिसाब से आप प्लान कर दो और एक एक दिन हर लोकेशन पे एक्स्ट्रा ऐड कर दे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल रेन के वजह से एक एक दिन आपके आइटनरी से पूरा अनयूजबल हो सकता है। बिकॉज Andaman इज नॉट कनेक्टेड टू द मेनलैंड, आप दोबारा कब जाएंगे उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। इसके वजह से अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दें, यू विल कम बैक स्माइलिंग एंड आपका जो पूरा एक्सपेंसेस है इट विल बी टोटली वर्थ इट एंड वर्थ स्पेंडिंग। एंड वेदर से रिलेटेड और एक चीज़ हमने जो एक्सपीरियंस किया था कि Andaman में सनसेट बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो दिन आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा एंड बाई 5 PM इट्स सनसेट, तो काफ़ी कुछ तब बंद ही हो जाता है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, जल्दी स्टार्ट करें, बिकॉज दैट वे यू विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स की। वाटर स्पोर्ट्स आप पोर्ट ब्लेयर में नॉर्थ बे में कर सकते हैं, कॉर्बिन कोव बीच में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर स्पोर्ट इज बेस्ट एंजॉयड एट एलिफेंट बीच इन हैवलॉक आइलैंड। तो दैट वॉज आवर पिक फॉर वाटर स्पोर्ट, तो हमने नॉर्थ बे स्किप कर दिया था एंड वी पुट ऑल आवर वाटर स्पोर्ट ऑन एलिफेंट बीच इन हैवलॉक आइलैंड। Andaman का एक ट्रिप 25,000 रुपये पर पर्सन से स्टार्ट हो सकता है, और उसके ऊपर नंबर ऑफ डेज और कैटेगरी ऑफ होटल को मद्देनजर रखते हुए बजट इंक्रीज होते रहता है। और अगर आप Andaman ट्रैवल करना चाहते हैं और ये फ्लाइट, टैक्सी, फेरी, होटल, एक्टिविटीज खुद इसका टेंशन नहीं लेना चाहते हैं एंड यू जस्ट वॉन्ट टू गिव इट टू समबडी, तो गुड न्यूज़,
नीचे मैंने एक फॉर्म दे दिया है, उसे आप फिल कर दें एंड somebody फ्रॉम my टीम विल गिव यू अ कॉल एंड हेल्प यू प्लान योर Andamans वेकेशन. सो गो ahead राइट नाउ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, और अगर आपको जानना है कि Andaman में क्या क्या करना चाहिए तो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो विच टॉक्स अबाउट द 10 मस्ट डू थिंग्स दैट यू शुड डू इन Andaman. बाय बाय.